हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन बताते हैं तो पेशेंट्स के मन में, अटेंडेंट के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सिकाई दी जाएंगी और वो कितने दिनों तक चलेंगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आखिर सिकाइयाँ लगेंगी कितनी। जो सिकाई कितनी लगेंगी ये डिपेंड करता है कि क्या कैंसर है, क्या स्टेज है और हमारा इंटेंट क्या है। ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशन हर पेशेंट के लिए सेम डायग्नोसिस में डिफरेंट हो सकती है, बट देने का हमारा इंटेंट क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। तो जब भी कोई पेशेंट कैंसर की डायग्नोसिस के पास आता है और डॉक्टर को दिखाता है तो हमारा होता है पर्पस उनको ये बताना कि आपका इंटेंट क्या है, मतलब हम आपको क्यूरेटिव इंटेंट से कर रहे हैं या पैलेटिव इंटेंट से या एडजुवेंट इंटेंट से। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इंटेंट का क्या मतलब है। जो रेडिएशन होता है वो तीन तरह से दिया जाता है कि हम मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन ही रख रहे हैं, यानी कि डेफिनेटिव इंटेंट, यानी कि जो कैंसर है उसको हम रेडिएशन से ही किल करेंगे। इसके साथ जो कीमो दी जा रही है या कोई और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बाई साइड है, बट मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव इंटेंट। दूसरा होता है एडजुवेंट इंटेंट। एडजुवेंट मतलब कि पेशेंट का कुछ जो मेन ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, लाइक कीमोथेरेपी है या फिर सर्जरी है, सर्जरी करके उसको निकाला गया है और रेडिएशन उसको अब हम दे रहे हैं, तो वो एडजुवेंट हो गया। तीसरा होता है हमारा पैलिएटिव इंटेंट। पैलिएटिव मतलब पेशेंट का कैंसर क्योर नहीं हो सकता है, स्टेज फोर में है, बट उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसको हम रेडिएशन देकर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैलिएटिव इंटेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर पेशेंट का ब्रेन में बीमारी है, उसको फिट्स आ रहे हैं, सर दर्द बना हुआ है, सो नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को पैलिएटिव इंटेंट से कुछ ग्रे डोज रेडिएशन का दे देते हैं। तो ये रेडिएशन के तीन इंटेंट हो गए, डेफिनेटिव इंटेंट मेन ट्रीटमेंट, एडजुवेंट इंटेंट कि कुछ और ट्रीटमेंट हुआ है साथ में हमने रेडिएशन दिया है ताकि बीमारी लौट के ना आए, और थर्ड होता है पैलिएटिव इंटेंट। तो जब भी हम किसी पेशेंट का अकॉर्डिंग टू द स्टेज या प्राइमरी डायग्नोसिस क्या है उसके अकॉर्डिंग जब भी हम उसका रेडिएशन ट्रीटमेंट बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रेडिएशन यानी कि सिकाई कितनी लगेंगी, सिकाई का नंबर कितना है वो डिसाइड होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपको हेड एंड नेक कैंसर की मैं बात करूं, जो इस हिस्से के कैंसर होते हैं, मुंह का, गाल का, जीभ का, गर्दन का, गांठों का, ये जो मेनली इस हिस्से के कैंसर हैं उनको हम 30 से 35 इकाइयाँ देते हैं, किसी किसी में 33 भी देते हैं। बट अगर इसी पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, सपोज टंग का कैंसर था, उसकी सर्जरी करके निकाल दी गई है, उसके बाद अगर हमें रेडिएशन देना है तो ये 30 से 33 होती है। लेकिन अगर सर्जरी नहीं हुई है, हमारा मेन फोकस सिकाई से ट्रीट करना है, तो हम उस स्टेज में 35 इकाइयाँ देते हैं। अब अगर मैं छाती के कैंसर की बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को हम 15 देते हैं, कुछ को हम 16 देते हैं, कहीं कहीं हम 25 देते हैं, कुछ जगहों पर बहुत ही रेयर 28 भी दी जाती हैं। तो ये कैंसर को कितनी सिकाइयाँ लगेंगी ये स्टेज पर डिपेंड करता है और उस हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है, उस डॉक्टर के प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि उस पेशेंट को सेम बीमारी में 25 इकाइयाँ दी गई हैं, हमें 16 दी जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, बट कभी कंपेयर नहीं करना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने डॉक्टर से, अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करिए। इसके अलावा दूसरा होता है कि कितनी देर का प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक मशीन के ही आगे खड़ी हूँ, इस काउच पर पेशेंट को लेटकर रेडिएशन लेना होता है। जब भी हम उनको बोलते हैं, जो पूरी तैयारी हो जाती है, उसके बाद हमें इस मशीन पर लेटा के पेशेंट को इन लेकर रेडिएशन देना होता है। तो इस काउच पर लेटने का जो टाइम है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देर का एक्सपोजर है, मतलब लाइक किसी को 90 सेकेंड, किसी को 1.5 मिनट, किसी को 60 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का, वो हॉस्पिटल में आएगा, मशीन पर कितनी देर लेट रहा है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड, इस पर डिपेंड करता है। बट हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आप अपना 30 मिनट का टाइम पीरियड लेके चलिए कि आपको इतना टाइम हॉस्पिटल में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कभी कभी वेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो कितनी सिकाइयाँ लगेंगी एंड क्या प्रोसीजर रहेगा और कितने दिन तक चलेगी। अगर मैंने बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर मैंने किसी पेशेंट को बोली है कि आपकी 30 सिकाइयाँ होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका ट्रीटमेंट 30 दिन में ख़त्म हो गया। ये मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन दी जाती हैं एंड सैटरडे संडे ऑफ होता है,
उसका बायोलॉजिकल रेशनेल है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो रेडियो बायोलॉजिकली एक हमारी जो प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म होती है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम हमेशा सैटरडे एंड संडे बंद रखते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब हम रेडिएशन देते हैं तो कैंसर के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी किल होती हैं, तो उन दो दिन के गैप में वो नॉर्मल सेल्स रिकवर होती है बट कैंसर सेल्स रिकवर नहीं होती है। तो ये पेशेंट्स की भलाई के लिए होता है। कभी कभी बहुत सारे पेशेंट ना हमसे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मैम 5 दिन मत दीजिए, 6 दिन दे दीजिए ताकि हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए। जल्दी ख़त्म होने वाली बात नहीं होती है, हमेशा ये देखना होता है कि पेशेंट का भला किसमें है। और इसी बेसिस पे हमेशा प्रोटोकॉल्स बनाए गए होते हैं। तो जो भी रेडिएशन होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कितने दिन चलेगा। तो अगर मैंने 30 इकाइयाँ बोली हैं तो वो 30 दिन में ख़त्म नहीं होती हैं। मंडे टू फ्राइडे के अकॉर्डिंग अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.5 महीने तक चलती हैं। तो जितनी भी इकाइयाँ आपको बताई जाएं, हफ्ते की 5 इकाइयाँ काउंट करके आप सैटरडे संडे उसमें ऐड करके आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने दिन चलेंगी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक अंदाज़ा रहेगा कि 1.5 से 2 महीने रेडिएशन चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पेशेंट को रेडिएशन देते हैं, उनको कभी कभी मतलब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते उन्होंने रेडिएशन ट्रीटमेंट ले लिया, उनको साइड इफेक्ट आ गए, तो कभी कभी हमें 1-2 दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है या पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए एडमिट रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब भी कोई रेडिएशन बताया जाता है तो कितनी सिकाइयाँ लगेंगी, कैंसर की स्टेज पे, डायग्नोसिस पे, और उसका और क्या ट्रीटमेंट प्लान है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। 2 से 3 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम होता है। मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन दिया जाता है, सैटरडे संडे हम लोग ऑफ रखते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो। अगर आप पूरा होल कोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट अपने खाने पीने का, हाइजीन का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो ये 30 से 35 इकाइयाँ आराम से टॉलरेट की जा सकती हैं और झेली जा सकती हैं। इसके अलावा मैंने रेडिएशन की इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होते हैं रेडिएशन शुरू करने से पहले पेशेंट्स के लिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। किस कैंसर में कौन से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, हेड एंड नेक कैंसर में क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, पेल्विक ट्यूमर्स जो होते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या होंगे, छाती के कैंसर के जब रेडिएशन देते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, इन सब पर मेरा एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है, आप मेरे पेज को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर मैं अपकमिंग वीडियोज़ बनाऊंगी। या कोई भी डाउट है आपको उसके लिए आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।